हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू दी चैनल। माई सेल्फ अशोक पंचोली, आई एम फ्रॉम VMMC। एंड हमारा जो सेशन होगा, बेसिकली हम लोग बात करेंगे इसमें कि अदर देन नीट आपके क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो अभी डिप्रेशन में चल रहे हैं कि नीट में नहीं हो रहा, अब क्या करें क्या नहीं करें, तो उसी के बेसिस हम लोग ये वीडियो लेकर के आए हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा जो सेशन होगा वो नीट के थ्रू कौन कौन से और भी कोर्सेज होते हैं जो हम लोग कर सकते हैं जो मेडिकल में आए। तो कुछ लोगों का पता होता है कि नर्सिंग होती है थ्रू द नीट होती है, नीट के थ्रू भी नहीं होती, और भी कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं। तो हमारा जो ओरिएंटेड है वो नीट के बेसिस पे और अदर देन नीट कौन कौन से कोर्सेज होते हैं। तो उसमें ये हमारा पहला है, इसमें हम लोग बात करेंगे एम्स BSc नर्सिंग का और पैरामेडिकल का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ एम्स BSc नर्सिंग का। तो देखिएगा, काफ़ी स्टूडेंट्स को पता है या नहीं पता, कुछ नए स्टूडेंट्स हैं तो मैं बता दूं कि एम्स BSc नर्सिंग का सेपरेट एंट्रेंस होता है, वो नीट के बेसिस पे नहीं होता है। ठीक है, अब इसका जो एग्जामिनेशन डेट है वो ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। अगर आप इसके साइट पर जाकर के देखेंगे तो 8th of June इसका जो एग्जामिनेशन डेट है वो अनाउंस हो चुका है। ठीक है, अब काफ़ी स्टूडेंट्स के डाउट होते हैं या क्वेश्चंस होते हैं कि सर एग्जामिनेशन फॉर्म तो ठीक है, एग्जामिनेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होते हैं? तो एग्जामिनेशन फॉर्म का इन्होंने डेट मेंशन करा है मंथ ऑफ अप्रैल, हर बार ये इसी टाइम स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, सेकंड होता है कि सर BSc नर्सिंग करेंगे बट कितने कॉलेज हैं, एम्स में कितने कॉलेजेस आते हैं? तो देखिए, टोटल 16 कॉलेजेस जो अंडर आते हैं हमारे, जो नर्सिंग कोर्सेज करवाते हैं। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे बड़ी बात है कि इसमें ओनली फीमेल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई। जो एम्स के जितने भी नर्सिंग कोर्सेज होते हैं, जितने भी एम्स में नर्सिंग होता है, उनमें ओनली फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकती है। ठीक है, कितनी सीटें हैं, फ़ीस क्या है, ये सारे डाउट्स जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में ट्राई करेंगे। हमारा एक सेशन चलेगा पूरा। एंड इसके अलावा आपके पास में 12th में बायोलॉजी होना कंपलसरी है। ठीक है, ये इसके बाद में हमारे पास में आता है कि इसका पेपर पैटर्न क्या होता है, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो हम जो नीट में पढ़ते हैं, लाइक 11th एंड 12th का जो NCERT पढ़ते हैं, वही कंप्लीट इसका सिलेबस है। इसमें हमारे पास में आता है 11th 12th NCERT के अंदर से बायोलॉजी 30 क्वेश्चंस आते हैं, केमिस्ट्री 30 एंड फिजिक्स हमारे 30। टोटल आपके 90 क्वेश्चंस आ गए सब्जेक्टिव एंड 10 मार्क्स ही होती है इसमें GK। टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर हो गया। ठीक है, तो ये इसका पेपर पैटर्न हो गया। अब एक और क्वेश्चन होता है कि सर कुछ बॉयज़ हैं जो नर्सिंग करना चाहते हैं तो वो कहाँ से करें। ठीक है, तो बॉयज़ के लिए मैं बता दूँ आपको, एक तो आपका हो गया नीट, एक जो दूसरा एग्ज़ाम होता है कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो एंट्रेंस करवाती है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि नीट के बेसिस पे कहाँ कहाँ पे जो बॉयज़ है वो एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो बॉयज़ जो होते हैं उनका एक BHU है और एक BMHRC है भोपाल में। ठीक है, ये दो कॉलेजेस हैं जिसमें आप लोग एडमिशन ले सकते हो थ्रू द नीट। ठीक है, कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती है, लाइक हमारे पास में आती है स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में RUHS हो गया, MP का हो गया, PGI चंडीगढ़, PGI रोहतक हो गया। ये जो कॉलेजेस होते हैं यहाँ पे आप लोग स्टेट इनका एक सेपरेट एंट्रेंस होता है, वो देकर के आप वहाँ से नर्सिंग कर सकते हो। ठीक है, जॉब के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप जॉब करते हो तो आपको फिर बॉयज़ हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं एम्स में, ऐसा नहीं कि आप जॉब भी नहीं कर सकते। ठीक है, ये वाला एक हो गया BSc नर्सिंग का। अब हम लोग चलते हैं एक और जो हमारा कोर्स है वो है पैरामेडिकल, और पैरामेडिकल भी कहाँ से, एम्स से। ठीक है, तो एम्स जो पैरामेडिकल होता है उसका एंट्रेंस कहाँ होता है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितनी कॉलेज हैं, कितनी सीटें हैं, फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, तो उसी के सीरीज़ में हमारा जो सबसे पहला है कि जो पैरामेडिकल है उसकी डेट इन्होंने मेंशन कर दी, 6th of July को पैरामेडिकल एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, अब कौन कौन से कोर्सेज आते हैं, तो हम लोगों ने मेंशन किया है कि ये होता है BMLT, BRT, OT, BOT, ऑप्थेल्मो, ये जो सारे कोर्सेज होते हैं ये अंडर ही आते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज। ठीक है, अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, तो मैं बता दूं आपको, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम एज वेल नर्सिंग, कि आपके पास में 12th में बायो होनी चाहिए, अगर आपके पास में मैथ है तो भी चल जाएगी। ठीक है, एंड इसका जो अप्लाई है वो बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ कैन अप्लाई। ठीक है, एंड मैं बात करूँ पेपर पैटर्न सेम एज वेल एज नर्सिंग, आपका 30 मार्क्स का फिजिक्स, 30 मार्क्स का केमिस्ट्री एंड 30 मार्क्स की आपकी बायो, टोटल आपके 90 मार्क्स का पेपर होगा। और इसका जो पेपर पैटर्न है वो सेम 11th 12th NCERT। ठीक है, इसके अलावा भी अगर हमारे कोई एग्ज़ाम्स होंगे जो अदर देन नीट होते हैं तो हम लोग एक सीरीज़ लेकर के आएंगे। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।